भारत ने आतंक को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है और भारत आज भी आतंक को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत अपने रुख को स्पष्ट कर चुका है, आतंक कहीं भी हो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आतंक का यह दंश भारत ने बहुत बरसों तक झेला है और अब आतंक के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लगातार जारी है। खास तौर पर जब बात होती है भारतीय सुरक्षा की तो करगिल को भी हम हमेशा याद करते हैं और करगिल विजय दिवस एक ऐसा मौका जब हम अपनी आंतरिक सुरक्षा, अपनी सीमाओं की सुरक्षा दोनों पर एक बड़ा मंथन कर सकते हैं और इसके लिए एक बहुत ही शानदार पैनल मेरे साथ भारत का सवाल में आज मौजूद होगा। आगे बढ़ें उससे पहले कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। करगिल विजय दिवस के मौके पर मोदी आर्काइव की ओर से कुछ पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया के मंच एक्स पर शेयर की गई हैं जिनमें पीएम मोदी भारतीय सैनिकों के साथ नजर आ रहे हैं। फोटो करगिल युद्ध के दौरान की है। ये फोटो पोस्ट करते हुए करगिल युद्ध को याद करते हुए लिखा गया है कि आज करगिल विजय के 25 साल पूरे हो रहे हैं जो भारत के इतिहास में एक निर्णायक क्षण था। पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में बहुत अंदर तक घुसपैठ की थी जिसके कारण भारत ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। पोस्ट में आगे लिखा गया है कि भारतीय सेना ने भीषण युद्ध लड़ा और हर इंच जमीन पर कब्जा किया और अपने देश की अखंडता को सुरक्षित रखा। ऐसी एक युद्ध भूमि थी टाइगर हिल, एक रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान जहां काफी भीषण लड़ाइयां हुई। 4 जुलाई 1999 को खूनी युद्ध के बाद भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया था और यह हमारी शानदार जीत थी। मने पर करगिल ने धरती पर जवानों सौभाग्य मिलो जे दिवस से भारत की सेनाएं टाइगर हिल पर कब्जो करो सवारे विजय पछी टाइगर हिल पर जवानों सौभाग्य मने प्राप्त थयो। गुजरात ना एक संतान तरीके मारा जीवन ये गौरव में घटना छे। तो प्रधानमंत्री मोदी की आवाज आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया टाइगर हिल पर जब विजय प्राप्त की तो उस समय पर मुझे वहां जाने का सौभाग्य मिला। करगिल विजय के 25 साल पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर भी तगड़ा वार किया है। पीएम मोदी ने कहा पाकिस्तान ने अपने इतिहास से सबक नहीं सीखा, कहा हमारे वीर जवान आतंकवाद को कुचल देंगे और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं अग्निवीर योजना को देश के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक बताया गया है, कहा सशस्त्र बल युवा रहे और हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहे। अग्निपथ योजना से यह सुनिश्चित होगा, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। कई बड़े मेहमान, बड़े चेहरे मेरे साथ इस पैनल पर जुड़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये रिपोर्ट देखिए। करगिल विजय की रजत जयंती और देश में उल्लास और विश्वास है कि हम खुशहाली के रास्ते बढ़ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान अपनी पुरानी भूल से सबक नहीं ले रहा और बेहाली के रास्ते पर चल रहा है। ये तस्वीरें पाकिस्तान को चेतावनी के लिए बेहद खास हैं। द्रास में पीएम मोदी ने जहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी वहीं जवानों के जज्बे को सलाम किया। करगिल में शहीद जवानों के परिजनों से भी मुलाकात की। वहीं पीएम मोदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी भी दी, कहा हमारे वीर जवान आतंकवाद को कुचल देंगे और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जवान पूरी ताकत से कुचलेंगे। जाहिर है पाकिस्तान जहां बदहाली के कगार पर है और आतंकवादी गतिविधियों से ही सांस ले रहा है, वहीं भारत अपने मजबूत इरादों से विकास के साथ कदम ताल कर रहा है। लद्दाख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली सिंखुन ला सुरंग परियोजना का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने साफ कहा लद्दाख का परिदृश्य बदल रहा है, जम्मू कश्मीर आज भविष्य की बात कर रहा है। टनल बनने से लद्दाख की मुश्किलें कम होंगी, खास बात ये कि टनल बनने के बाद दुनिया की सबसे ऊंची टनल होगी। वहीं अग्निपथ योजना पर पीएम मोदी ने विपक्ष के फैलाए जा रहे भ्रम पर चोट किया और साफ किया कि इस योजना का मकसद युवाओं को सेना और युद्ध के लिए तैयार रखना है। अग्निपथ योजना हमारे रक्षा बलों के लिए आवश्यक है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। हालांकि विपक्ष का अपना तर्क है जिसके सहारे अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बयानबाजी जारी रखे हुए है।
सोच समझ के हम कह रहे हैं, भविष्य में जाकर 4 साल जो लड़के के हाथ दुख दे रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं, जानकारी हो जाती है बेसिस कहाँ क्या क्या है, इनको 4 साल बाद वेला छोड़ने से देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान जिस तरह हमारे लिए नासूर बना हुआ है, आतंक के सहारे किसी तरह अपने देश को खाद पानी दे रहा है, ऐसे में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को ललकारा है और इतिहास से सबक लेने की सलाह दी है। लेकिन वही बात है ना, जो समझ जाए वो पाकिस्तान कहाँ। फिलहाल हर चुनौती से निपटने के लिए भारत तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। एक पहलू ये भी है कि बात सिर्फ ऐसी नहीं कि हम अपने मुंह से कह रहे हैं, हर देश अपनी तारीफ करता है। आज दुनिया में भारत की ताकत का डंका बज रहा है, आर्थिक स्तर पर भी और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो भारत आज किसी से कम नहीं है। कभी भारत आतंक से समझौता ना तो पहले कभी किया है और ना आगे कभी करेगा, आतंक को मुंह तोड़ जवाब देगा। करगिल विजय दिवस 25 साल होने पर आज बहुत ही खास पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देता हूं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल राजन कोचर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जय हिंद। और आप जैसे वीर जवानों की वजह से आज ये दिन देखने का मौका मिलता है तो सबसे पहले आप तीनों को मैं बधाई देता हूं ढेर सारी आज के दिन की। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। पहले कोचर साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाह रहा हूं। मुझे ये बताएं कि एक ऐसे समय पर हम बात कर रहे हैं कि जब एक खुशी, एक शौर्य दिवस तो हम मना ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि कश्मीर में जिस तरह लगातार आतंकियों के खिलाफ हमने सर्च ऑपरेशन छेड़ा, उसमें हमारे 11 जवान शहीद हुए और हो सकता है कि आंकड़ा आप और इसको अपडेट करें, ये भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण समय रहता है। हम चुन चुन कर इन्हें खत्म कर रहे हैं, अभी किस तरह के हालात हैं इन जगहों पर और अब क्या चुनौती हमारे लिए कम हुई है, पहले से बड़ी है, इसको थोड़ा समझना चाहेंगे क्योंकि ये सारी खबरें जो है टेलीविजन के माध्यम से जितनी जानकारी आती है वो लोगों तक पहुंचती है। आज की स्थितियां क्या है, करगिल की वो बड़ी जीत जिसके 25 साल का जश्न हम मना रहे हैं उसके बाद? सबसे पहले धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल में इन्वाइट किया और ये बहुत अहम सवाल आपने पूछा है कि आज हम क्या, हमारे सामने चुनौतियां हैं। अभी आप देखिए कि जब आर्टिकल 370 के बाद जो 5 साल, अभी उसके 5 अगस्त में उसकी एनिवर्सरी होने वाली है और फिर उसके बाद हमारा इंडिपेंडेंस डे भी आने वाला है, तो ये सारी जो माइलस्टोन्स हैं ये शायद पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहे हैं और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये जो एक्टिविटी है जो बढ़ गई है। अब चैलेंजेस हमारे लिए ये हैं कि आप जानते हैं कि 3 साल पहले जो उसको लद्दाख में चुनौती आई थी और वहाँ पे हमको अपनी फौजों को ज़्यादा मजबूत करना था और यहाँ पे एक यूनिफॉर्म फोर्स थी जो स्पेशली आप पुंछ और जम्मू के रीजन में डिप्लॉयड थी, तो हमने इसको यहाँ से मूव किया बिकॉज ये एरिया काफ़ी शांत था, ये इससे पहले यहाँ पे ऐसी कोई भी वारदातें नहीं होती थी, तो हमने अपनी फौजों को यहाँ से इसको मूव किया और इसको लद्दाख को मजबूत किया। अब इसका फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाया बिकॉज यहाँ पे एक एरिया, जो भी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन होता है उसका एक अहम मुद्दा ये होता है कि आपको एरिया को हमेशा डोमिनेट करना है और अगर आप उस एरिया को डोमिनेट नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि दुश्मन जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा और फिर हमने देखा ये जो पाकिस्तान ने इसका फ़ायदा उठाया। तो सबसे पहली चुनौती है कि जो भी यहाँ पे घुसपैठ हुई है 50 के करीब टेररिस्ट बताया जा रहा है कि इस एरिया में घूम रहे हैं, अलग अलग जगह में छोटे ग्रुप्स में घूम रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि हमको इनको ख़त्म करना है और उसके लिए हमको जिस तरीके की इन टेररिस्ट की ट्रेनिंग है, जो अभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आ रही है कि ये बहुत ही वेल ट्रेंड है और इनके पास टेक्नोलॉजी भी है और जिस
तरीके के ये कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो हम उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज उस टाइप की टेक्नोलॉजी शायद देश में आज तक नहीं है जी। तो ये चैलेंजेस हैं कि सबसे पहले हमने सिचुएशन को स्टेबलाइज करना है और इसलिए आपने देखा कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अभी पिछले हफ्ते वहां पे विजिट किया है और जो जीओसी 16 कोर जिसके अंडर ये एरिया है उनने उनको ब्रीफ किया। तो सबसे पहली चुनौती है कि हमको अपने फोर्सेस को रीडिप्लॉय हमने किया। आपने मुझे स्पेशल फोर्सेस कुचर साहब आपने मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है और मैं ब्रिगेडियर दत्ता के पास इस पॉइंट को लेकर जाना चाहूंगा। ग्रुप कैप्टन यू के देवनाथ भी मेरे साथ मौजूद हैं, दोनों से मैं बात करूंगा। ब्रिगेडियर दत्ता पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, टेक्नोलॉजी की बात की है, आतंक को पोषित करने वालों की जमीन कहाँ है ये हम जानते हैं, हम चेतावनी देते रहते हैं, जिसके खुद के खाने के लाले पड़े हों वो तकनीक पर काम कर रहा है या आतंक को पोषित करने के लिए फंडिंग हो रही है, ये पाकिस्तान के बूते की बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने अपनी शक्ति को हर जगह दिखाया है, अमेरिका भी साथ में खड़ा होना चाहता है, रशिया भी साथ में खड़ा होना चाहता है, यहाँ तक कि चाइना भी नहीं चाहता कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा उठा पटक हो क्योंकि उसकी कुर्सी हिलती दिखाई दे रही है अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें वर्ल्ड वाइड। तो ऐसे में कौन है जो इन लोगों को इतना पोषित कर रहा है और वो नेटवर्क क्यों नहीं टूटता, वो ज्यादा जरूरी है उस कमर को तोड़ना। देखिए बड़ा अच्छा सवाल आपने किया और मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका का अभी भी उसका जो झुकाव है वो पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान की सरजमी को अपने जो मंसूबे हैं या जो उसके सियासी एम्बिशंस हैं उनको स्ट्रेट करने के लिए हमेशा इस्तेमाल किया है। आज भी एक बड़ा सब्सटेंशियल पोर्शन फंडिंग का पाकिस्तान को जाता है, हालांकि जो पाकिस्तान की आवाम है वहां इस तरह के काफी आवाजें उठ रही हैं क्योंकि जितना फंड वहां जाता है या तो वो मिसस्पेंट होता है या मिस अप्रोप्रिएट होता है। आपको बिल्कुल पता है कि आप जिस तरह से, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि जब ISI में पॉलिटिकल विंग ऐड हुआ था तो वो जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद ISI का हर पाकिस्तान में 90% जितनी तिजारत होती है उसमें ISI को कमीशन जाता है या पाकिस्तानी सेना को कमीशन जाता है, हर चीज में पाकिस्तान की सेना का दखल है। तो ये जो फंडिंग है, चाहे आप देखिए इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो 18 बार IMF के पास गए, आज भी, क्योंकि देखिए उनको तो कोई गुरेज है नहीं, उनको तो पैसा चाहिए। जैसे माओ से तुमने कहा था कि आई डोंट यू नो बिलीव इन वेदर द कैट इज ब्लैक और व्हाइट एज लॉन्ग एज इट कैट कैचेस द माइस, तो जहां तक उनको पैसा मिलता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी देश के पास जा सकते। तो फंडिंग जो है वो आपने बात कही चाइना की, आप देखिए मंशेरा में जो अलबद्र का जो अलबद्र तंजीम थी वो बिल्कुल खत्म कर दी गई थी, अब चाइना उसको, क्योंकि चाइना का जो साउंडिंग बोर्ड है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक वेस्टर्न स्टेट बन चुका है चीन का, और चीन देखिए चीन क्योंकि एक सुपर पावर का सपना सजे हुए है, 2050 तक वो शायद इस मुकाम तक पहुंच भी जाएगा, तो वो कोई ऐसा काइनेटिक ऑपरेशन भारत के खिलाफ नहीं करेगा। तो वो इसी तरह के जो छद्म युद्ध हैं या पाकिस्तान के द्वारा जो प्रायोजित दहशतगर्दी है उसको वो एनकरेज करेगा और उसके लिए चाइना काफी पैसा खर्च कर रहा है जी जी। तो बाकी के जो भी देश हैं, चाहे वो इस्लामिक स्टेट्स हों या जो फंडिंग बैन अल-अक़वामी जो इदारे हैं वहां से आती है, वो सारी या तो यहाँ डाइवर्ट होती है, क्योंकि पाकिस्तान में देखिए कश्मीर दहशतगर्दी, इसके अलावा अगर पाकिस्तान आर्मी को सर्वाइव करना है तो इन मुद्दों पर उनको ध्यान देना पड़ेगा या इनको ज्वलंत रखना पड़ेगा। और आप देखिए जिस तरह से 9 मई का जो अटैक हुआ था कोर कमांडर के घर पे, वो दैट इज अ केस इन पॉइंट जी। ब्रिगेडियर दत्ता मैं और विस्तार से आपको सुनना चाहूंगा और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी को मैं पहले भी सुन चुका हूं क्योंकि मुझे सौभाग्य मिला है कि वो मेरे पैनल पर पहले भी रहे हैं। ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी से क्योंकि अभी तक उनका ओपनिंग कमेंट नहीं आ पाया है। देवनाथ जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है जब भी भारत की सुरक्षा की बात होती है। हमारी आर्मी दो तरीके से ग्रो करती है, एक संसाधनों में यानी हथियार, हम अच्छे से अच्छे हथियारों को खरीदने की ताकत रखते हैं, बनाने की ताकत रखते हैं, दूसरा
सेना का मनोबल और सेना में जो सैनिकों की गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उनका अपने आप क्योंकि बहुत लंबा समय देख चुके हैं सेना को, तो हम देख रहे हैं तकनीक के आधार पर तो हम बढ़ रहे हैं, ये जो सेना की तैयारियां हैं इस लिहाज से हम कितना ग्रो कर रहे हैं और किन पहलुओं पर ग्रो कर रहे हैं? देखिए, जहां तक सेना के हमारे सोल्जर्स का मोरल की बात है, मनोबल की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका मनोबल हमेशा बहुत ऊंचा रहा है, ऊंचा है और ऊंचा रहेगा। इसका बहुत बड़ा कारण है कि हमारी सेना जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनिट के हिसाब से हुई है। जो एक जवान आर्टिलरी के रेजिमेंट में है उसको फख्र होता है कि वो उस आर्टिलरी के रेजिमेंट में है। जो एक जवान एक इन्फेंट्री यूनिट में है, गढ़वाल हो या जाट हो, उसको बहुत फख्र है कि वो उस इन्फेंट्री रेजिमेंट का बटालियन का हिस्सा है। उसके बाद बाकी सारी चीजों के कोई मायने नहीं रखते। आप अगर यूनिट में जाएंगे आप देखेंगे उसके बाद वो जवान कभी नहीं बोलेगा कि साहब मेरे को और बढ़िया खाना दे दो, मेरे को जो रहने की सुविधा दे दो और अच्छी, मेरे को 24 घंटे बिजली दे दो, कुछ नहीं बोलेंगे। एक बार जो रेजिमेंटल सिस्टम किक इन कर जाता है एक जवान के दिल और दिमाग पर, उसके बाद वो सिर्फ एक ही चीज मानता है कि अफसर साहब का हुक्म आएगा, ट्रेनिंग करो और ट्रेनिंग करो और ट्रेनिंग करो। प्रवीण जी, इतना बताने के बाद मैं ये बताता हूं कि जवानों की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। हाँ, इक्विपमेंट प्रोफाइल के बारे में हम बात कर सकते हैं। इक्विपमेंट प्रोफाइल में हमारे जो आर्मी नेवी एयरफोर्स है, हमारा इक्विपमेंट प्रोफाइल भी करीबन करीबन दुरुस्त है। चाहे आप इक्विपमेंट प्रोफाइल अमेरिका का देख लीजिए, रशिया का देख लीजिए, सभी देशों में क्या होता है कि करीबन 20% इक्विपमेंट हथियार एकदम मॉडर्न होते हैं, यानी जस्ट महज 5-10 साल वाला मॉडल। करीबन 50% इक्विपमेंट ऐसा होता है जो कि थोड़े पुराने होते हैं, यानी 20 साल पुराने, 30 साल पुराने। और प्रवीण जी, मैं आपको बताता हूँ, अमरीका और रशियन आर्मी नेवी एयरफोर्स में भी करीबन 20-30% इक्विपमेंट ऐसा होता है जो कि 40-50 साल पुराना होता है। तो उस हिसाब से इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स का इक्विपमेंट प्रोफाइल सही है। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि भारत की जो जनता है, भारत की जो सरकार है, मैं पार्टी की नहीं बात कर रहा, भारत सरकार, भारत की जनता क्या चाहती है हमारी फौज से? नंबर एक, क्या हम सिर्फ देश की सुरक्षा करें? हम तो अपने फोर्सेस को डिफेंस फोर्सेस बोलते हैं। अगर मकसद सिर्फ इतना है कि भारत सरकार और देश की जनता चाहती है कि भारत की फौज आर्मी नेवी एयरफोर्स सिर्फ देश की सुरक्षा कर ले, डिफेंस कर ले, तो हमारी फौज मजबूत है, इक्विपमेंट प्रोफाइल भी अच्छा है, डिफेंस बजट बढ़िया। लेकिन अगर आप अंतरराष्ट्रीय आबोहवा को देखें प्रवीण जी, तो आप देखेंगे कि कभी कभी एक दरकार पड़ती है कि एक फौज को ऑफेंसिव रोल में जाना पड़ता है। तो जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, 1965 में हमने लाहौर को घेर लिया था, तो क्या भविष्य में भारत सरकार, अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है, तो भारत सरकार क्या हमें आर्मी को या एयरफोर्स से एक्सपेक्ट करेगी कि हम लाहौर को घेर कर कब्जा कर लें? उससे भी बड़ी बात, हम हमेशा कहते हैं कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है। अब हमारी नेशनल डिफेंस पॉलिसी जो है उसमें लिखा होना चाहिए बहुत क्लियरली कि क्या भविष्य में, आज से 30 साल बाद, 50 साल बाद, क्या ऐसा समय आएगा जब भारत की फौज को हुक्म मिलेगा कि पाकिस्तान का जो पीओके है उसको बलपूर्वक हासिल करके भारत के जेएनके में विलय करा दिया जाए? हम जान दे देंगे, फौज जान देने के लिए तैयार है। तो ऐसे ऑफेंसिव एक्शन के लिए आज की तारीख में हमारा जो इक्विपमेंट प्रोफाइल है वो सफिशिएंट नहीं है। ये चीज भारत की जनता को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। मैं चीन का एग्जांपल देता हूं, अक्साई चीन, 38,000 किलोमीटर हमारा भारत माता का जो मुकुट है वो चीन के कब्जे में। अब हम कहते हैं कि वो हमारा है, पार्लियामेंट से लेकर करंट प्लेस तक हर रैली में हम बोलते हैं हमारा है। मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, भारत सरकार और भारत की जनता क्या यह चाहती है कि एक दिन भविष्य में ऐसा मौका आएगा जब हम थोड़ा सा ऑफेंसिव एक्शन जाएंगे? डिफेंस तो हम कर लेंगे,
क्या हम इक्विपमेंट प्रोफाइल हमारी यू रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देखिए आपने चर्चा को एक दिशा भी दी। इस पैनल पर आप तीनों ही इतने सीनियर लोग मौजूद हैं और आप लोगों को सुनना बड़ा ऐसे इत्मीनान से सुनने का मन कर रहा है, लेकिन आपने एक नई दिशा दी है। कोचर साहब, दत्ता साहब ने एक नई दिशा दी यहाँ पर चर्चा को, लेकिन मैं यही प्रोफाइलिंग की दोनों तरीके से हम अपने सेना के मनोबल के लिहाज से, क्योंकि अग्निवीरों पर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों की टिप्पणी चाहूँगा, पर पहले इन दोनों प्रोफाइलों की बात करें। ऑफेंस डिफेंस की भी जो बात की है दत्ता साहब ने, आपने सुना भी है, उसको मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो हम कितने तैयार हैं और कितना बेहतर हुए हैं, आप कैसे देखते हैं आकलन कि एक लंबा समय आपने देखा और आज हम इस स्थिति में आकर खड़े हुए हैं? देखिए प्रवीण जी, एक चीज अंडरस्टैंड आपको करनी पड़ेगी कि अगर आप अपनी फौज को मजबूत नहीं करेंगे, आप अपनी कैपेबिलिटी को नहीं बढ़ाएंगे, तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट की बात करें, ऑफेंस हो या डिफेंस हो, आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। और अगर हम इस साल के बजट की बात करें, बिकॉज वो स्टार्टिंग पॉइंट है और आपको उसको अपनों उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, और अगर आप देख रहे हैं कि हमारे बजट में 4.79% इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर से, और अगर आप इन्फ्लेशन का आज का रेट देखें वो है 5.05%, सो इन रियल टर्म्स आपने अपने बजट को बढ़ाया नहीं। और मेरा ये क्वेश्चन है कि पिछले एक साल में हमारी थ्रेट जो है वो बड़ी है या कम हुई है? बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। और अगर बड़ी है तो हमको उस तरीके का बजट, अगर मैं आपको 1.9% बोलते हैं कि डिफेंस बजट होता है, अगर आप उसको पेंशन्स भी निकाल दें, सैलरीज भी निकाल दें, तो ये जो अभी जो डिफेंस बजट है ये है 1.36% ऑफ द जीडीपी। अगर आप अपने पूरे जीडीपी का 1.36% अगर आप डिफेंस को दे रहे हैं, और अगर आप सोचते हैं कि एक चमत्कार है फौज में कि वो आपको आपको इंस्टेंट आपको रिजल्ट देगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। जैसे आप अपने सिक्योरिटी पे अगर खर्च करेंगे, बिकॉज यू हैव टू पे फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, ये जो आपकी फौज है ये आपकी अपनी फौज है, अगर आप इसको मजबूत नहीं करेंगे, अगर आप बजट नहीं देंगे जो फौज की रिक्वायरमेंट से, अगर आप उसको पूरा नहीं करेंगे, तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फौज को जो भी आप टास्क दें वो टास्क, अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, हम लाहौर में चले जाएंगे, पीओके में चले जाएंगे, आप कैसे चले जाएंगे जब आपके पास कैपेबिलिटी नहीं? तो जो आपके पास वेपन सिस्टम्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, जब तक आपके पास वो सिस्टम्स नहीं आएंगे, आपके पास टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लोग बोलते हैं कि हमारी फौज में आपने देखा 3 साल रिक्रूटमेंट नहीं हुई और उससे 1.8 लाख डेफिशिएंसी आ गई फौज में, अब आप एक नई रिक्रूटमेंट स्कीम लेके आ जाते हैं तो 60,000 हमारे जवान एक साल में रिटायर होते हैं और आप 44,000 अग्रीवी रिक्रूट करते हैं, तो आप अपनी फौज की जो पुरानी डेफिशिएंसी है उसको तो आप रेक्टिफाई नहीं कर रहे, और डेफिशिएंसी आप बढ़ा रहे हैं, और ऊपर से आप बोलते हैं रजौरी पुंछ में आपके पास बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है, आपके पास सोल्जर्स नहीं है उस एरिया में, और आप जिस एरिया से उनको अभी लेके आए आपने अपने डिफेंसेस वहां पे वीक कर दिए, तो आपका जो ऑफेंसिव डिफेंस कहां गया? जब आपके पास एक गवर्नमेंट को, मैं आपके चैनल में क्लियर कट बताना चाहता हूं, गवर्नमेंट को अपना रुख अपना क्लियर करना पड़ेगा कि आपको हमारी ये फौज को कौन सी एक स्ट्रेंथ में लेके आना है। आप 14 लाख की फौज रखना चाहते हैं, आप 12 लाख की रखना चाहते हैं, या आप 10 लाख की रखना चाहते हैं? और जो आपके आज थ्रेट परसेप्शंस हैं ये उसको नजर में रखते हुए आपको कितनी ट्रूप्स की रिक्वायरमेंट है? अगर अगर आज हमको कमी हो रही है हमारे ट्रूप्स की, 15,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा लैंड बॉर्डर है, 7,500 स्क्वायर किलोमीटर हमारा मैरिटाइम बाउंड्री है, और इस 15,000 में 10,000 स्क्वायर किलोमीटर विवादित है, तो अगर आप उसको खुला छोड़ देंगे, गलवान में क्या हुआ, चाइना में क्या हुआ 2020 में,
ये आपकी वहां पे फौज मौजूद ही नहीं थी और पीएलए आके वहां पे बैठ गए 1,000 स्क्वायर किलोमीटर। सर आपने सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट उठाया, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप एक सजेशन भी अपनी तरफ से रखें। ये एक ऐसा मंच है जहां पर आप इतने महत्वपूर्ण मुद्दों को उठा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें, ये आवाज बहुत जिम्मेदार लोगों तक भी पहुंचे, लेकिन सोल्यूशन भी, मैं ब्रिगेडियर दत्ता के पास जाऊं उससे पहले आप सोल्यूशन या अपना सजेशन भी संक्षेप में जरूर रखें। ओके, मेरा ये सोल्यूशन है कि पहली चीज, अगर आपकी थ्रेट परसेप्शन बढ़ गई है तो आपको अपनी फौज की नफरी भी आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी आपके पास फौज में पहुंची नहीं है। जब टेक्नोलॉजी आएगी तो उस टाइम पे बात करेंगे कि हम, अगर हम अपने फौज को कम करते हैं। तो मेरा पहला सलूशन है, आप जो आपकी जो रिक्रूटमेंट है आज अग्निवीर को आप 44,000 अपना साल में कर रहे हैं, आप इसको एटलीस्ट 75,000 तक लेके जाइए, क्योंकि आपके 60,000 लोग रिटायर हो रहे हैं, आप एटलीस्ट उसको पूरा कीजिए। अग्निवीर में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बढ़ा देना चाहिए, ज्वाइनिंग जो है नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स को बढ़ाया जाना चाहिए। पहला पॉइंट है, और भी मेरे पास काफी सजेशंस है अगर आपके पास टाइम है। मैं एक एक करके, क्योंकि मैं चाहूंगा सभी, मैंने कहा ना आप तीनों इतना अच्छा बोल रहे हैं, जब भी कोई बोलता है ऐसा लगता है कि मैं किसी एक को सुनता रहा हूं, लेकिन क्योंकि पैनल पर हम तीन लोग हैं और एक दूसरे को सुन रहे हैं तो एक्सचेंजेस होते हैं। दत्ता साहब ने एक विषय दिया, उसको हमने आगे बढ़ाया, और ब्रिगेडियर दत्ता ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा आई, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि तकनीक और साथ ही साथ में जो सेना में रिक्रूटमेंट की एक कमी है या बॉर्डर्स पर खास तौर पर भर्ती की ज़्यादा ज़रूरत है, उस कमी को आप भी महसूस कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो इसका समाधान क्या वही है जैसा बताया जा रहा है कोचर साहब की तरफ से? हाँ बिल्कुल, देखिए जनरल कोचर साहब ने बड़े अच्छे पॉइंट्स रखे और उनकी गिनती एक बड़े थिंकिंग जनरल्स में की जाती है भारतीय सेना। और देखिए हमारा जो अगर बॉर्डर देखें तो 4,000 किलोमीटर का तो बांग्लादेश के साथ ही है, चाइना के साथ करीब 3,488 किलोमीटर का है, पाकिस्तान के साथ तो आपको पता ही है। तो अगर हमारे जो थ्रेट इंपरेटिव्स हैं वो इतने वाइड एंड ओपन हैं, और जो भी देश हमारे साथ है, कोई बहुत ज्यादा फ्रेंडली कंट्रीज हमारे आसपास नहीं है, तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें ये चाहिए कि एक तो देखिए कारगिल रिव्यू कमेटी हुई, ठीक है, मैं उसका हिस्सा था, और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि साहब सीडीएस की जो अपॉइंटमेंट है वो 15 से 16 साल लगा दिए इस सरकार ने उसको अपॉइंट करने के लिए। दूसरी चीज, जब अपॉइंट भी किया तो एक 4-स्टार जनरल बनाया, हालांकि सीडीएस मेरे क्लासमेट है और बहुत ही काबिल ऑफिसर है भारतीय सेना के, और भारतीय सेना को बड़ा अच्छा नेतृत्व दे रहे हैं वो। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी कई रिकमेंडेशंस ऐसी हैं कारगिल रिव्यू कमेटी की जो नहीं की। आप देखिए 17 कोर को जो रेज किया गया था तो कई साल तक वो ऐसे ही लंबो में पड़ी रही, और बाद में उसको रेज किया गया या उसको ऑपरेशनलाइज किया गया। तो जितने गैप्स आप देख रहे हैं हमारे जो बॉर्डर एरियाज में है, जब तक आप उनको प्लग नहीं करेंगे, बूट्स ऑन ग्राउंड, जब तक आप इन्फेंट्री वगैरह, देखिए जब तक सोल्जर ग्राउंड पे नहीं रहेगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखिए विक्ट्री पाना मुश्किल है लेकिन विक्ट्री को बरकरार रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो ये जो डेफिशिएंसी है जनरल साहब ने भी बताया, ओवर ए पीरियड होती गई है। मुझे समझ में नहीं आता क्यों सरकारें, क्यों हमारी पेंशन सरकार को खलती है। अगर आप बाकी लोगों को देखें, आप देखिए एक एमपी और एमएलए को मैं कई प्रखर रूप से कई जगह बोला है, एक दिन जिस दिन वो इलेक्ट होते हैं उस दिन उनको आजीवन पेंशन मिलती है। पहले तो एमपी और एमएलए दो लोग लिया करते थे, दोनों उसकी वो लिया करते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या सिक्योरिटी की कोई कॉस्ट हो सकती है? क्या भारतीय सेना को अगर यंग रहना है तो वो देश की रिक्वायरमेंट है या इंडिविजुअल की है? आप 37 या 38 या 40 साल पे एक सैनिक को रिटायर कर देते हैं तब तो जिम्मेदारियां शुरू होती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जैसे देव साहब ने कहा था कि साहब हम तो वी आर एपॉलिटिकल, कोई भी पार्टी हो, वो कहते ना कि ख्याल तो मुझे भी देश का बहुत था, जब पेट भर गया तो नींद आ गई। चाहे वो आपकी सियासी एम्बिशन हो, चाहे वो आपके पर्सनल एजेंडा हो या कुछ हो, क्योंकि देखिए एक
भारतीय सशस्त्र सेना एक ऐसा पोटेंट वेपन है हमारी आर्मरी में। आप देखिए इंटरनल डिस्टरबेंस जो इंसर्जेंसी है वो पुलिस का काम है, वो भारतीय सेना को मिला हुआ है। आप देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट एनडीआरएफ का काम है, वहां भी विली निली आर्म फोर्सेस को इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपदा प्रबंधन 3.5 साल इंटरनेशनल लेवल पे देखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि साहब जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप हर जगह तैनात करते हैं तो उसकी देखभाल करना। अंग्रेज क्यों इतने सालों से पूरी दुनिया पर राज करते रहे? क्योंकि उन्होंने आर्मी को जो तर्जियत दी वो अद्वितीय थी। आप देखिए जब भारत में पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ तो क्राउन ने सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ले लिया और कंपनी और आर्मी को बिल्कुल मिक्स नहीं किया। जी ब्रिगेडियर दत्ता, देखिए ये आप तीनों इतने सीनियर लोग जिन मुद्दों को उठा रहे हैं इसको मैंने सोचा भी नहीं था दूर दूर तक, क्योंकि डिफेंस को समझना ये हर किसी के बूते की बात नहीं है। सोचा भी नहीं था कि आज जो हमारी बातचीत होने वाली है वो इतने महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ यहाँ पर आएगी, और हो सकता है कि ये बहुत सारी चीज़ें हों जिससे नावाकिफ है अभी वो लोग जो सेना जवान जवान जय हिंद ताकत ये सारी बातें करते रहते हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा वाकिफ भी नहीं होते हैं। और मैं धन्यवाद ग्रुप कैप्टन देव का करना चाहूँगा कि उन्होंने एक ये चर्चा छेड़ी और इसको एक दिशा दी। अब ये मुझे इसका भी जवाब दीजिए कि पॉलिटिकल विलनेस तो हम देखते ही हैं, हम तो जानते हैं कि हमारे देश की कोई भी सरकार हो कोई भी राजनीतिक दल हो वो सुरक्षा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि देश का भविष्य जो है वो सुरक्षित हो, देश की सीमाएं सुरक्षित हो, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है। कहां पर एक कम्युनिकेशन गैप है आप जैसे लोग, और ऐसा नहीं कि डिफेंस के और भी ज्यादा एक्सपर्ट्स लोग जो हैं वो सरकार को सलाह नहीं दे रहे होंगे और सरकार खुद वाकिफ नहीं होगी इन चीजों से, इसके बावजूद कोई कम्युनिकेशन लैग देखते हैं या कोई कमी देखते हैं जिसकी वजह से हम आगे इन चीजों पर नहीं बढ़ पाते? ग्रुप कैप्टन देव। प्रवीण जी मैं आपको बता दूं कि देश की जनता को मालूम होना चाहिए, उसके बाद देश की जनता ही सरकार को बता देगी। हम ऐसा नहीं है कि ये दिल मांगे मोर, ये दिमाग मांगे मोर। मैं आपको एक मोटा मोटी अंदाजा देता हूं, जनरल साहब ने बड़ा अच्छा बोला कि हमें 14 लाख चाहिए, 12 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए। जनरल साहब को इसका जवाब मालूम है, मैं उसको दोबारा रिपीट कर देता हूं। पाकिस्तान की फौज 6 लाख की है तो हमें 6 लाख चाहिए पाकिस्तान की तरफ देखने के लिए, बहुत ज्यादा IIT से इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है। PLA चाइना की 18 लाख की है, हमारी आकलन है कि 18 लाख से अगर जनरल वॉर होता है तो वो महज एक तिहाई, 6 लाख ही अक्साई चीन से लेके तवांग तक और लोंगजू तक मेघालय तक तैनात कर सकता है तिब्बत में। तो 6 लाख हमें दे दीजिए चीन को देखने के लिए, क्योंकि ऐसा होगा चीन हमला करेगा पाकिस्तान पीछे से खलबली मचाएगा या पाकिस्तान हमला करेगा चीन पीछे से तो फौज हमें 12 लाख की चाहिए। मैं एयरफोर्स की बात बताता हूं एक मिनट में। ये नहीं है कि हमको मालूम नहीं है कि देश में पैसे का अभाव है, गरीब लोगों की तरफ फंड जाने चाहिए, मालूम है। पाकिस्तान की एयरफोर्स को देखिए 20 स्क्वाड्रन है, तो इंडियन एयरफोर्स को आप 20 स्क्वाड्रन दे दीजिए कम से कम पाकिस्तान की तरफ देखने के लिए। चीन की एयरफोर्स में 100 फाइटर स्क्वाड्रन है, हमारा आकलन है कि ये 100 में से 1/5 यानी महज 20 फाइटर स्क्वाड्रन युद्ध अगर हो जाता है चीन के साथ वो तिब्बत में डिप्लॉय करेगा तो चीन को देखने के लिए हमें 20 स्क्वाड्रन दे दीजिए, 40 हो गए पाकिस्तान के 20 चीन के 20। और इंडियन नेवी हमेशा बोलती है कि एयरफोर्स को हमें इंडियन नेवी को सपोर्ट करना चाहिए, बे ऑफ बंगाल में एयरफोर्स को सपोर्ट करना चाहिए, अरेबियन सी में, इंडियन ओशन में, तो हमें 2 फाइटर स्क्वाड्रन चाहिए इंडियन नेवी को बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में देखभाल करने के लिए नेवी की सपोर्ट में, 42 फाइटर स्क्वाड्रन। तो महज बराबरी करने के लिए, यानी अगर हमला होता तो डिफेंस करने के लिए हमें चाहिए, आज हमारे पास है 30 स्क्वाड्रन। जी मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अभी अग्निवीर योजना के तहत जो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं वो एक अलग मुद्दा है, उस पर विपक्ष की राय, ये सही दिशा में हम जा रहे हैं, ये सही तरीका है, हम अगर ज्यादा तादाद बढ़ाते हैं ट्रेनिंग देते हैं तो हमारा पर्पस फुलफिल हो जाएगा? प्रवीण जी मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं। एक तो ये है कि अग्निवीर में ऐसे बोला गया कि जरूरत इसलिए है कि पेंशन बजट बहुत ज्यादा हो रहा है। देखिए पेंशन बजट अग्निवीर से कैसे कम होगा, आप ये सोचिए जो जवान आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले प्रीवियस टर्म्स एंड कंडीशन से रिटायर हुआ था वो तो अगले 20 साल के बाद रिटायर होगा ना। 2020-2021 में जिसने ज्वाइन कर लिया था अग्निवीर के पहले उसको तो पेंशन मिलती रहेगी,
और उसको मिलेगी कब, जब वो आज से 20 साल के बाद या 16 साल के बाद फौज छोड़ के जाएगा, तो 2044 में तो वो पेंशन लेना शुरू करेगा। तो आज से लेके 2044 तक तो पेंशन बिल हमारा कम नहीं हो सकता। मैं पार्टी वाली बात नहीं कर रहा, मैं एज ए मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल सांख्यिकी की बात कर रहा हूं। अब हमारा जो जवान है जो 37 साल या 38 साल या 42 साल की उम्र में घर जाता है, भारतीय है, मजबूत है, अच्छा खाता है, तो वो 90 साल की उम्र तक जिंदा रहता है। यानी जब वो फौज छोड़ता है उसके बाद भी वो 40 साल जिंदा रहता है। तो अगर ये लगा लें कि एक जवान 20 साल बाद रिटायर होगा, यानी 2044 में रिटायर होगा, उसके बाद 40 साल वो जिंदा रहेगा, उसने प्रीवियस टर्म्स एंड कंडीशन पे ज्वाइन किया है, तो 40 साल का मतलब क्या है कि वो 2088 तक पेंशन ड्रॉ करेगा, तो पेंशन बिल कैसे कम हो जाएगा। ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गया, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट भी है। मेजर जनरल कोचर, एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी अब उठकर सामने आता है कि बात बजटिंग की है। आप बजट अलोकेट करते हैं, एक लिमिटेड फंड होता है, और हम देख रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा बहुत हाई है। बहुत सारी योजनाएं हैं, फ्री में अनाज हो या फिर और वेलफेयर की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ना बहुत लाजमी हो जाता है हमारे जैसी इकोनॉमी में या हमारे जैसी देश की हालत में। और वहीं कैपेक्स पर भी काम किया जा रहा है कि बाद में रोजगार भी डेवलप हो, क्योंकि युवा जो हैं वो सिर्फ अग्निवीर के लिए नहीं जा रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद है युवाओं की जो रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं। ऐसे में फंड अलोकेशन में आपको क्या लगता है कि क्या एडजस्टमेंट होने चाहिए, क्योंकि सरकार भी निश्चित तौर पर कभी रक्षा मामलों से समझौता जानबूझकर तो नहीं करेगी, ये माना जा सकता है। ये कहना आपका बिल्कुल दुरुस्त है, बिकॉज कंफ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती है गवर्नमेंट के पास। अब आप देखिए कि हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हैं, और जहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि उनका वोट बैंक को बढ़ा सकते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि फंड एलोकेशन होगा। वो इस बार आपने कोलिशन गवर्नमेंट देखी है, आपने बिहार का एलोकेशन आपने देख लिया है, और आपने आंध्र प्रदेश का देखा है, और भी जगहों पर बाकी स्टेट्स को आपने क्यों नहीं एलोकेशन अपना दिया है, बिकॉज ये सारी पॉलिटिकल कंपल्शन है गवर्नमेंट की। और हम लोग भी अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को कि गवर्नमेंट को अगर अपने आप को स्टेबल अपना रखना है तो इस तरीके की एलोकेशन गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। बट मेरा ये सवाल है, देखिए आज जो हमारा डिफेंस का इकोसिस्टम है, हमको उसको तैयार करना है, तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमको उसके ऊपर एम्फेसिस देना चाहिए। आज आपका 15% जीडीपी आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, और हमारा जो अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें, और अगर हम इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर हम मजबूत नहीं करेंगे तो हम कभी भी आत्मनिर्भर। एमएसएमई पर इस बार फोकस भी रहा है, क्योंकि अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं एक फाइनल कमेंट आप सभी लोगों से चाहूंगा। ब्रिगेडियर दत्ता, अग्निवीर योजना एक समाधान है, और आपको ऐसा लगता है, नहीं लगता है, और आने वाले समय में हम और ज्यादा शक्तिशाली बनेंगे, इसके लिए कोई एक सुझाव बहुत संक्षेप में मैं चाहूंगा तीनों इसी बात पर अपनी बात रखें। देखिए, अग्निवीर जो योजना है उसको अगर हमने री इंजीनियर या रीडिफाइन नहीं किया तो भारतीय सेना को काफी प्रॉब्लम होने वाली है। एक तो रिटेंशन इसमें बढ़ानी चाहिए, दूसरा जो कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट है उसको भी बढ़ाना चाहिए। और ये जो राज्य सरकारों की तरफ से ऑफर दिए जा रहे हैं, पीएसी में, पुलिस में आरक्षण मिल जाएगा, और भी हम देख रहे हैं अलग अलग, बीजेपी यूपी है, एमपी है, हर जगह जी। ये तो जब हुआ है, जब ये जो 4 जून को रिजल्ट आए हैं उसके बाद ये सब रीथिंकिंग हो रही है। उससे पहले ये सब क्यों नहीं किया गया, उससे पहले कोई पायलट प्रोजेक्ट क्यों नहीं लॉन्च किया गया। ठीक है सर, ये तो एक बड़ी योजना है, मुझे लगता है कि ऐसे में इन सरकारों को भी सोचना पड़ता है। पर मैं एक एक कमेंट सभी का ले लेता हूं, आप भी देव सर, आप इस पर अपना कोई सजेशन बहुत संक्षेप में रखना चाहें तो। मेरा सजेशन ये है कि अग्निवीर को अगर सक्सेसफुल बनाना है, देखिए नंबर ऑफ ट्रेनिंग जो है वो हमें 4 गुना बनाना पड़ेगा। अगर जैसे जनरल साहब ने बोला, अगर हर साल 60,000 रिटायर हो रहे हैं, तो हमें पांचवें साल में जो परमानेंट अग्निवीर चौथे साल से पांचवें साल में परमानेंट होंगे, 60,000 को घुसाना है। तो उसका मतलब क्या है,
हम अगर चार में से तीन को घर में भेज रहे हैं और एक को ही पांचवें साल में डाल रहे हैं, तो आज की तारीख में हमें 240,000 को ट्रेनिंग देनी है हर साल। अगेन ये तो डिटेलिंग है, पर ये बात समझी जा सकती है जो ब्रिगेडियर दत्ता कह रहे हैं, रीडिफाइन करना, यही आप भी यही बात कह रहे हैं कि योजना अच्छी है लेकिन रीडिफाइन करो, सही तरीके से लाओ। जनरल साहब क्लोजिंग कमेंट। कमेंट है कि अगर आपने अग्निवीर को सक्सेसफुल बनाना है तो इसको 50% रिटेंशन अप कर दीजिए, और जो इसको 7 साल के लिए आप इस स्कीम को अगर आप इसको लागू करेंगे तो ये उसमें फौज का भी एक्चुअली फायदा होगा, और 50% अगर आपके रिटेंशन आपकी फौज को अगर मिलती है तो फौज को भी ये ऐसा लगेगा कि एक्सपीरियंस्ड आपको उसको मिल जाएंगे, अग्निवीर को भी लगेगा कि 7 साल के लिए वो। और लास्ट पॉइंट, जब 7 साल के बाद अग्निवीर निकलते हैं फौज से बाहर, उनको 100% गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट आपको देनी पड़ेगी। इसका आपको एक स्टैट्यूटरी एंश्योर करना पड़ेगा, इस बात को विजन आपको पार्लियामेंट में लेके आना पड़ेगा। कितनी सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं कहूंगा, कितनी काम की बातचीत आज हुई है भारत का सवाल में। मैं सोच रहा था करगिल विजय दिवस, 25 साल सेना, और ये बात है आप लोगों के साथ बैठते हैं तो ही गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन आप लोग कितना सोच रहे हैं, देखिए आप आज भी अपने स्तर पर किस तरीके से पॉलिसीज के बारे में सोच रहे हैं और आपके सुझाव कितने काम के हैं, ये मुझे आज इस पैनल के जरिए समझ में आया। मैं आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो ये एक शानदार चर्चा रही भारत का सवाल में, और इस चर्चा में एक महत्वपूर्ण तथ्य जो एक लाइन में निकल कर आया वो ये कि अग्निवीर योजना अच्छी है, हमें जवानों की और ज़्यादा ज़रूरत है, इन्हें रिक्रूटमेंट बढ़ाने होंगे, लेकिन आपको इंश्योर पहले तो रीडिफाइन करें इसको और इंश्योर करें कि जो अग्निवीर यहाँ पर भर्ती हो रहे हैं उनका भविष्य भी सुरक्षित हो, सुनिश्चित हो, ताकि हमारी सेनाएं भी मजबूती से काम कर पाएं।